हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। आज 4 अगस्त 2023 को सीईटी का जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन है, जो ग्रुप 56 और 57 का एचएसएससी कंडक्ट करने वाली है, 5 अगस्त 2023 को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस एग्ज़ामिनेशन के ऊपर स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। दिस इज़ न्यूज़ फॉर द सीईटी कैंडिडेट्स, जो सीईटी मेंस के लिए जो 27-28 हज़ार कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किया था जिन्होंने, और जिनके एडमिट कार्ड्स इशू हो गए थे 5 अगस्त 2023 के ग्रुप 56 और 57 के एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट, अब लेटेस्ट अपडेट यही है कि हाई कोर्ट ने इस एग्ज़ामिनेशन के ऊपर स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब इसकी आगे जो भी जिन पॉइंट्स के ऊपर स्टे हुआ है उन कमियों को दूर करके, और क्योंकि इसके अंदर कई रीजंस जो हैं वो रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट इशू करी थी और उसके अंदर इन्होंने ना तो कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट इशू करी, और दूसरा इसके अंदर मेन इशू ये रहा कि जो इन्होंने विड्रॉवल के लिए एक ओरिजेंडम नोटिफिकेशन जो इशू की थी कि जो कैंडिडेट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं और जिन्होंने रॉन्गली क्लेम किया है उनको विड्रॉ करने की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दी गई थी। सो इस विड्रॉल में कितनों ने विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद जिन्होंने विड्रॉ किया क्या जो अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनको एडमिट कार्ड इशू किए गए, तो इन पॉइंट्स के ऊपर एचएसएससी की तरफ से प्रॉपर जो क्लेरिफिकेशन जो है वो नहीं आ पाई, जिस वजह से कोर्ट ने इसके अंदर स्टे किया है। दूसरा जो पॉइंट है, एक अदर मैटर के अंदर जो विकास एंड अदर्स के अंदर, विकास नवीन के मैटर के अंदर जो रहा, जो इन्होंने कोरिजेंडम इशू किया था अप्रैल के महीने में, आई थिंक 20/4/2023 को इन्होंने कोरिजेंडम इशू किया था, जिसके अंदर इन्होंने ग्रुप 6 की जो कैटेगरी नंबर 87 और आई थिंक 93 की जो पोस्ट थी, जो ऑडिटर की पोस्ट थी और इंस्पेक्टर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो पोस्ट थी, उसको इन्होंने ग्रुप 6 से 56 के अंदर शिफ्ट कर दिया था, और ये कहा था कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो ग्रुप 56 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सो, इस पॉइंट के ऊपर भी हाई कोर्ट ने जो है इसको जस्टिफाइड नहीं माना है। एक मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर इस पॉइंट के ऊपर कि सिर्फ ये ग्रेजुएशन बेस्ड जो है पोस्ट हैं, इसलिए इनको 56 में शिफ्ट करके और 56 के सिलेबस के हिसाब से इनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, दिस एक्शन ऑफ द यूपीएससी इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। सो फ्रेंड्स, फिलहाल न्यूज़ यही है कि सीईटी का जो मेंस है, जो एडवर्टाइज नंबर 3 ऑफ 2023, जो 7 मार्च 2023 को इशू हुई थी, वेरियस कैटेगरीज एंड वेरियस ग्रुप्स जो 29,000 के करीब पोस्ट हैं उनके अंडर जो ग्रुप 56 और 57 के लिए जो नोटिफिकेशन इशू किया था एचएसएससी ने कि 5 अगस्त को इनका सीईटी का जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो होगा, उसके ऊपर अभी हाल फिलहाल के लिए कोर्ट ने जो है स्टे ग्रांट कर दिया है। सो फर्दर इससे रिलेटेड डिटेल्ड जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर अपडेट इसके अंदर दिया जाएगा, एंड आई विल अपडेट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ बीन सेड इन द ऑर्डर, और जो फर्दर डिटेल्स है वो आपको फर्दर वीडियो के थ्रू इसके अंदर आपको अपडेट मिलेगा। सो टू गेट दी फर्दर अपडेट्स डायरेक्टली ऑन योर मोबाइल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कोई भी आपकी इसे क्वेरी हो इस सीईटी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कोई भी किसी कैंडिडेट की अगर फर्दर कोई क्वेरी हो, सो ही कैन सेंड दी मैसेज ऑन माय ऑफिस व्हाट्सएप नंबर, दैट इज़ 7986657694। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी जेन्युइन क्वेरीज हो उनका, जो भी केस के हिसाब से जो भी ऑर्डर्स रहे हैं कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट जो है वो मिल सके। और ये जो नंबर है, ये नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसको मैं मेंशन जो है वो करवा रहा हूँ। सो किसी भी कैंडिडेट की कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो, ही कैन सेंड द मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड योर क्वेरी विल बी आंसर्ड। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द स्टे ऑन द सीईटी मेंस एग्जामिनेशन ऑफ ग्रुप 56-57। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड, एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स।